प्रेडिक्शंस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आई प्रेडिक्शंस। आज का ब्यूटी टिप है, अगर आपको पिंपल्स कम करना है तो मीठा भी कम खाया कीजिए। मेरी तरह नहीं, पिछले कुछ दिनों से मीठा खा के मेरे फेस पे पिंपल्स आ गए हैं, क्योंकि ज्यादा मीठा खाने से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है जिससे कि और भी पिंपल्स आने लगते हैं। एनीवेज, टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू मामा अर्थ लिप सीरम लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड रोजी न्यूट। पैकेट पे लिखा हुआ है कि ये 8 आवर्स ऑफ मॉइस्चराइजेशन देता है एंड 12 आवर्स तक स्टे करता है। ये ट्रांसफर प्रूफ, स्मच प्रूफ एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। हम लोग इसका स्मच टेस्ट एंड लॉन्जिविटी टेस्ट सारा करके देखेंगे एंड आई एम गोइंग टू कंपेयर दिस विद माय अदर लिक्विड लिपस्टिक्स। इसकी एमआरपी है 599 फॉर 3 ml ऑफ प्रोडक्ट, पर सारे मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स की तरह इस पे भी आपको काफी डिस्काउंट अवेलेबल होता है एंड करेंटली उनका बाय वन गेट वन फ्री ऑफर चल रहा है। तो जनरली हम लोगों को मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए एमआरपी से बहुत ही कम अमाउंट पे करना पड़ता है। मुझे नहीं पता ये लोग लिक्विड लिपस्टिक को लिप सीरम बोल के क्यों सेल कर रहे हैं, पर सीरम जैसा कोई भी क्वालिटी इसमें नहीं है। मुझे इसका पैकेजिंग काफी अच्छा लगा, बेटर देन एनी अदर लिक्विड लिपस्टिक पैकेजिंग आई हैव एवर सीन, पर इस पैकेजिंग में कोई भी सील नहीं था, विच इज समथिंग आई डिडंट लाइक एट ऑल। इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट 03/2022 एंड यूज बिफोर डेट 08/2024 लिखा हुआ है। इसका इंग्रेडिएंट्स लिस्ट इसके पैकेजिंग के ऊपर मेंशन नहीं किया गया है, पर ऑनलाइन मुझे इसका इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मिला है। इसके पैकेजिंग के ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें विटामिन सी एंड ई है, पर इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में मुझे विटामिन सी कहीं पे नहीं दिखा। ओवरऑल मेरे ख्याल से ये एक मेकअप प्रोडक्ट है एंड लिप केयर के लिए ये प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं इसको लिक्विड लिपस्टिक की तरह ही देखूंगी, ना कि एक लिप सीरम की तरह। इसका एप्लीकेटर काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट मेबेलिन के एप्लीकेटर के जैसा। मामा अर्थ लिक्विड लिपस्टिक में मुझे कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं मिला एक्सेप्ट परफ्यूम, जो कि मेकअप प्रोडक्ट्स में जनरली होता ही है। अभी मैं इसे मेरे अदर लिक्विड लिपस्टिक्स के साथ कंपेयर करूंगी। तो फर्स्ट मैंने मेरे हैंड के ऊपर इसे अप्लाई कर लिया है, फिर उसके बाद मैं माई ग्लैम वाला लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। अभी मैं मेबेलिन का लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करूंगी, ये मेरा अब तक का सबसे फेवरेट लिक्विड लिपस्टिक है। अभी शुगर कॉस्मेटिक्स का लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करूंगी, इसका एप्लीकेटर समहाउ खुल के इसके अंदर ही घुस गया 2-3 बार यूज करने के बाद, विच इज सैडनिंग। अभी मैं बेलोरा पेरिस का लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करूंगी, जो कि ज़्यादा लॉन्ग स्टेइंग नहीं है, बट आई लव दिस कलर। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है इन सबको सूखने में। बेलोरा पेरिस वाला ऑलमोस्ट इंस्टेंटली सूख गया। बेलोरा पेरिस वाला बहुत हाइड्रेटिंग भी है। शुगर कॉस्मेटिक्स का लिक्विड लिपस्टिक भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता है सूखने में। माइग्लैम वाला भी कुछ देर बाद सूख गया था। मामा अर्थ वाला पूरा सूखने में अबाउट 6 मिनट्स लगा दिया। मेबेलिन वाला जनरली 10 मिनट्स तो लगाता ही है पूरा सूखने में। करीब 10 मिनट बाद मिसलर वाटर से मैंने इस सब को मिटाने की कोशिश की। 1 स्वाइप में किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो मैंने थोड़ा थोड़ा जोर हर एक पे लगाया। बेलोरा पेरिस वाला इजीली उठ रहा था, फिर शुगर कॉस्मेटिक्स वाला, फिर मैंने मेबेलिन के ऊपर ट्राई करा, पर आपको दिख ही रहा होगा ये कितना लॉन्ग स्टेइंग है। माइग्लैम वाला भी अच्छा स्टे कर लेता है। बाय द वे, लिक्विड लिपस्टिक्स को अगर आप बाई फेस्ड मेकअप रिमूवर या फिर किसी भी ऑयल के साथ रिमूव करोगे तो बहुत ईजिली रिमूव हो जाएगा। मैं मिसलर वाटर सिर्फ लॉन्जिविटी टेस्ट करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। मामा अर्थ वाला भी बहुत ही अच्छा स्टे करा। फिर मैंने अच्छे से सबको रब किया। आप देख सकते हो मेबेलिन और मामा अर्थ के अलावा कोई भी लिपस्टिक मेरे हाथ पे नहीं है, पर लॉन्जिविटी की बात करें तो मेबेलिन के बाद मामा अर्थ वाला आता है। देखिए रब करते करते मेरा हाथ भी लाल हो गया। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने क्लेंजिंग ऑयल इस पर इस्तेमाल करा। थोड़ी देर रब करने के बाद इसे एक वेट कॉटन पैड से रिमूव किया तो ये आसानी से रिमूव हो गया। इसका कलर मैं अपने लिप्स के ऊपर दिखाने वाली हूँ, तो मैंने मेरे लिप्स को अच्छे से स्क्रब कर लिया। फिर मैंने एक लिप बाम लगा के रखा था जो मैंने एक कॉटन क्लॉथ से हटा लिया। कलर को एप्लीकेटर से अप्लाई करने के बाद लिप्स को ऐसे ज्वाइन करके उसे स्प्रेड ना करे, नहीं तो वो पैची हो जाएगा। बहुत ही अच्छा ये एक पिंक न्यूड शेड है। लिप्स को अच्छे से वाटर स्प्रे करके फिर मैंने एक वाइट कप के ऊपर लिप्स को रखा। एकदम 1-2% ट्रांसफ़र हो रहा था। अगर आप कुछ ऑयली खाओगे तो कोई भी लिक्विड लिपस्टिक विल कम ऑफ, स्पेशली फ्रॉम द सेंटर ऑफ योर लिप्स। ये लिक्विड लिपस्टिक भी अदर लिक्विड लिपस्टिक्स की तरह लिप्स पे थोड़ा ड्राइंग है। मेबेलिन वाला लिक्विड लिपस्टिक लिप्स पे थोड़ा स्टिकी रह जाता है, तो वो उतना ड्राइंग नहीं होता है।
मामा अर्थ वाला लिक्विड लिपस्टिक भी स्टिकी रहता है पर मेबेलिन से बहुत कम। तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था पहले पहले मेरे लिप्स के ऊपर, पर ज़्यादातर लिक्विड लिपस्टिक्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा कम ड्राइंग है। ऑनलाइन पे जो शेड दिखाई देता है वो बहुत ही अच्छे से मैच होता है, एटलीस्ट ये वाला शेड काफ़ी सिमिलर था। Hope you enjoyed watching this honest review. Please don't forget to like, share, subscribe and also hit the bell icon. Stay happy and keep glowing always.